Good morning, class. In the previous video, we have done the revision of short answers, and in this video, we are going to cover all the objectives or smaller question answers. Like we are going to cover MCQs, blanks, meanings, and then the following. So these are the objectives type questions which we will cover in this video, and we have also covered short answers, and then finally we are left out with only answer the following questions. So yeah, this is based upon the assignments which you are going to get in within a week or two. Okay, that's it. So we will start with the revision. ओके ये असाइनमेंट है जो आपको मिलेगा फॉर एग्जाम्स. ओके सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू. फर्स्ट वन, इन विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया लोकेटेड? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी एशिया, सी यूरोप, डी अफ्रीका. सो इट इज ऑप्शन बी एशिया. सेकेंड, विच इज द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? तो पूरे वर्ल्ड में कौन सा है हाईएस्ट, सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज? ए कंचनजंगा, बी हिमालयास, सी माउंट एवरेस्ट, डी नन ऑफ दिस. एंड आंसर इज ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट. थर्ड, विच डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलुज? यानी रिवर सतलुज के ऊपर कौन सा डैम है इसमें से बना हुआ? ए सतलुज डैम, बी बैस डैम, सी बाकर नागल डैम, एंड डी नन ऑफ दिस. एंड द आंसर इज ऑप्शन सी बाकरा नागल डैम. फोर्थ, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइक? यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसका जो क्लाइमेट है वो आपको यहाँ मेंशन करना है. ए वेरी हॉट एंड ड्राई, बी ह्यूमिड एंड वेट, सी वेरी कोल्ड ड्यूरिंग डे एंड एट नाइट, डी नन ऑफ दिस. एंड योर आंसर इज ऑप्शन ए वेरी हॉट एंड ड्राई. तो जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसका क्लाइमेट इट इज वेरी हॉट एंड ड्राई. फिफ्थ, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेटू? तो जो डेक्कन प्लेटू है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? ए नर्मदा, बी तापी, सी गोदावरी, डी नन ऑफ दिस. एंड द आंसर इज ऑप्शन ए नर्मदा. ओके सिक्स्थ, साबरमती आश्रम इज लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ डैश. इसमें से कौन सी सिटी के पास साबरमती आश्रम आता है? ए पनाजी, बी गांधीनगर, सी अहमदाबाद, डी बेंगलुरु. एंड द आंसर इज अहमदाबाद. साबरमती आश्रम इज लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ अहमदाबाद. द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज डैश. ए सरदार सरोवर, बी हीराकुंड, सी नागार्जुना सागर, डी नन ऑफ दिस. तो इसमें से लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? हीराकुंड. इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम इज हीराकुंड. एट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द डैश रिजर्व. इसमें से किसके को रिजर्व करने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है? ए एलिफेंट्स, बी मंकी, सी टाइगर, डी नन ऑफ दिस. एंड द आंसर इज टाइगर. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज अ टाइगर रिजर्व. नाइन्थ, डैश फॉरेस्ट आर मेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. इसमें से कौन से फॉरेस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में फाउंड होते हैं, मतलब पाए जाते हैं? ए डेंस एवरग्रीन, बी डेसिडियस, सी थ्रोनी, डी नन ऑफ दिस. इसमें है आंसर ऑप्शन ए डेंस एवरग्रीन, मतलब ये साल भर हमेशा ग्रीन ही रहते हैं क्योंकि इनके लीव्स अलग अलग सीजन्स में शेड होते हैं. ओके सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. टेंथ, हाउ कैन वी सेव वाटर? इसमें से कौन सा ऑप्शन आप करोगे जिससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं? ए बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बी बाय प्लांटिंग ट्रीज, सी बाय यूजिंग इट केयरफुली. तो यहाँ तो सारे ऑप्शंस हम
करेंगे तो क्या होगा, वी कैन सेव वाटर. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हम अगर रेन वाटर को हार्वेस्ट करें या और ट्री लगाएं तो और रेनफॉल्स होगा, या फिर हम पानी का केयरफुली यूज़ करें, ये सब क्या है, वाटर को सेव करने में हेल्प करेगा. 11th, नेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉट ऑन मलबार कोस्ट. तो जो मलबार सी कोस्ट है उसका इम्पॉर्टेंट वाला जो पॉट है उसको मेंशन करना है. ए कोच्चि, बी मुंबई, सी पोरबंदर एंड डी नन ऑफ दिस. तो इसमें मलबार कोस्ट की बात है तो कोच्चि इज द इम्पॉर्टेंट पोर्ट. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन मलबार कोस्ट इज कोच्चि. व्हाट इज द शेप ऑफ द साउदर्न प्लेटू. साउदर्न प्लेटू को पेनिनसुला भी बोलते हैं, राइट. सो वो क्या है, ट्राइंगुलर इन शेप. वी हैड ऑप्शंस लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगुलर एंड सर्क्यूलर, बट द आंसर इज ऑप्शन ए, ट्राइंगुलर. सो द शेप ऑफ द साउदर्न प्लेटू इज ट्राइंगुलर. 13th, what are the areas where underground water comes up on the surface called? तो मतलब डेजर्ट में एक ऐसी एरियाज होते हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर सरफेस लेवल पर रीच करते हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर कुछ प्लांट्स ग्रो करने में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि डेट प्लांट्स, खजूर के झाड़. सो वी हैव ऑप्शंस ए ऑसिस, बी डेजर्ट्स, सी फील्ड्स, डी नन. And the answer is oases. Oases are the areas where underground water comes up on the surface. Okay. 14th, the Ganga basin is also known as the dash. तो जो गंगा बेसिन है उसे किस नाम से जाना जाता है. A. Football of India. B. Green Basin of India. C. Forest Area. D. Animal Area. And your answer is A. Football of India. So the Ganga Basin is also known as Football of India. Which of the following is the capital of Sikkim? इसमें से इन चारों में से कौन सा है जो सिक्किम का कैपिटल है. A. Gangtok. B. Imphal. C. Kohima. And D. None of this. And your answer is Gangtok. The capital of Sikkim is Gangtok. Moving further, we have question number 2, filling the blanks. First one, rivers that flow through India make the plains dash. तो जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो जो प्लेन्स हैं, जो फील्ड्स हैं, उन्हें क्या करती हैं, लैंड को फर्टाइल बनाती है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर बनाती है. सेकंड, ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द डैश रेंजेस. ग्लेशियर्स जो हैं, आइस के जो पीसेस, वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, हिमाद्री रेंजेस में. डैश इज बॉर्न फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड यमुनोत्री. सो यमुना इज बॉर्न फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड यमुनोत्री. फोर्थ, पीपल ऑफ राजस्थान स्टोर वाटर इन डैश टैंक्स. राजस्थान में हमने बोला था डेजर्ट एरिया है, रेनफॉल्स, लेस रेनफॉल्स होते हैं, सो दे नीड टू प्रिजर्व द वाटर. सो अंडरग्राउंड टैंक्स में वाटर को स्टोर करते हैं. सो पीपल ऑफ राजस्थान स्टोर वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स. फिफ्थ, टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ डैश हिल्स. टी और कॉफ़ी किस हिल्स के स्लोप्स पर ग्रो होते हैं, इट इज नीलगिरी हिल्स. टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स. डैश आर सॉल्ट वाटर लेक्स. लागोन्स या कायल्स दोनों आप बोल सकते हो सी वाटर, सॉरी सॉल्ट वाटर लेक्स हैं. सो कायल्स आर द सॉल्ट वाटर लेक्स. सेवेंथ, डैश हैज़ टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान इनटू अ ग्रीन जोन. हमने बोला था राजस्थान में लेस रेनफॉल होता है, हर एग्रीकल्चर, हर फार्मिंग पॉसिबल नहीं है, बट
Indira Gandhi Canal has turned many parts of Rajasthan into a green zone. इस canal से water supply होने की वजह से वहाँ पर agriculture कुछ हद तक possible हुआ है. That's why Indira Gandhi Canal has turned parts of Rajasthan into a green zone. 8. Camel dash is used for making tents. कैमल का कौन सा पार्ट है जो यूज़ होता है टेंट्स बनाने के लिए. कैमल स्किन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट्स. आई रिपीट, कैमल स्किन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट्स. डैश इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. कौन सा है लार्जेस्ट डेल्टा पूरे वर्ल्ड में. सुंदरबन इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. डैश इज रिगार्डेड एज अ होली रिवर ऑफ हिंदूज. हिंदूज की होली रिवर्स कौन सी है. इट इज गंगा. गंगा इज रिगार्डेड एज अ होली रिवर ऑफ द हिंदूज. 11th, राजस्थानी वुमेन वेयर घाघरा डैश एंड डैश. तो राजस्थानी वुमेन्स जो होती हैं वो घाघरा चोलीज एंड ओढ़नीज पहनती है. घाघरा चोली एंड ओढ़नी. राजस्थानी वुमेन वेयर घाघरा चोलीज एंड ओढ़नीज. 12. द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला. मीन्स इट इज ट्राइंगल इन शेप एंड इज सराउंडेड बाय वाटर. सो द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला. आई रिपीट, द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला. 13. India has the dash largest population in the world. India is the second largest population in the world. तो India का second largest population है in the world. I repeat, India has the second largest population in the world. 14. Dash in the Andaman and Nicobar Island is the southernmost tip of the कंट्री. साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री है तो इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री. और साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन मेनलैंड अगर बोले तो इट इज़ कन्याकुमारी. साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री इज द इंदिरा पॉइंट विच इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. 15th, forest gives us soft wood to make things like paper and matchsticks. जो forest से हमें wood मिलता है वो soft wood भी हो सकता है hard wood भी. और soft wood हमें वो paper and matchstick बनाने में useful रहते हैं. और hard wood से हम furnitures बना सकते हैं. Okay, that's it about blanks. I hope you are following along with me. Next we will see meanings. Question number 3, meanings. First one, plateau. Plateau means raised ground. So usual landforms है उससे थोड़ा raised surface हो, थोड़ा ऊंची area को हम plateau बोलते हैं. Second, peninsula. Land surrounded by water on three sides. Peninsula का मतलब होता है land जिसके तीनों sides पर क्या होगा, पानी. सो पेनिनसुला लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स. थर्ड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट फॉर द एनिमल्स. मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, एनिमल्स के लिए एक नेचुरल हैबिटेट, उनके रहने के लिए एक स्पेस देते हैं जो प्रोटेक्टेड होता है. अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट फॉर द एनिमल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. टेरेस फार्मिंग. फार्मिंग डन बाय कटिंग माउंटेन स्लोप्स इनटू स्टेप्स और फ्लैट स्टेयर्स. तो जो माउंटेन्स को या स्लोप्स को स्टेप्स की तरह कन्वर्ट करके फ्लैट स्टेयरकेस बनाकर फार्मिंग करना वो होता है टेरेस फार्मिंग. फिफ्थ, हार्वेस्टर. अ मशीन यूज टू हार्वेस्ट क्रॉप्स. जो क्रॉप्स है उसे हार्वेस्ट करने के लिए जो मशीन का यूज़ होता है वो हार्वेस्टर. ओके,
6. Tributary, small rivers that flows and join a larger one. मतलब जो छोटी छोटी rivers हैं वो बहकर आकर बड़े rivers में join हो जाती हैं, वो tributaries. 7. Caravan, a large group of people traveling across the desert. जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, बहुत सारे लोग जो डेजर्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं कैमल्स को लेकर, उस पूरे को बोलते हैं कैरावान्स. 8. ओसिस, फर्टाइल एरिया इन अ डेजर्ट वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस. हमने ये ब्लैंक्स में भी देखा था, एक ऐसा एरिया डेजर्ट का जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर सरफेस लेवल तक आ जाता है. So, Oasis is a fertile land in a desert where underground water comes to the surface. 9. Textiles. Textiles matlab fabric. 10th. Gulf. A narrow part of the sea which enters the land. Gulf matlab ek narrow part jo sea ka jo main land ki or enter karta hai. 11th. Lagoons, back water of sea or lakes. 12th. Port, trading center and a place from where ships sail. Ships sail कर आती है ऐसी place जहाँ पर trading हो सकती है, कोई लेन देन हो सकता है, वो port. 13th. Multi-purpose project, a project that is useful in many ways. बहुत सारे ways में useful होने वाले project को हम multi-purpose project बोल सकते हैं. So multi-purpose project is a project that is useful in many ways. 14th. Hydroelectricity, electricity generated by water. तो वाटर के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, वो वैसी इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं. सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर. 15. डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज. मतलब लार्ज एरियाज में हम ट्रीज को कट करके फ्लैट सरफेस बना दें, उसे डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, कटिंग डाउन ऑफ trees. So deforestation is cutting of trees. So that's it. We have completed objectives like MCQ blanks and meanings. Name the following will be continued in the next video. Okay. So that's it for today. Thank you for listening, and I hope you have understood all these terms and you will start learning. Thank you.